अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उसामा ज़फ़र। और आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे वीडियो स्क्राइब। जी हां, आज के ट्यूटोरियल में हम वीडियो स्क्राइब सीखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्क्राइब ओपन करते हैं। ओपन हो रहा है। ये देखिए वीडियो स्क्राइब ओपन हो रहा है। आपको ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो स्क्राइब अगर आप डाउनलोड करते हैं तो ये आपको इसमें एक तो अकाउंट बनाना पड़ता है और साथ ही आपको हर महीने 3 to 4 thousand पे करने पड़ते हैं। लेकिन ये देखें, मैं ना अकाउंट ना है ना मैं पे करता हूँ, मेरे पास क्रैक वर्जन है। तो सबसे पहले ये देखें, यू आर नाउ ऑफलाइन इन ऑफलाइन नाउ इन्जॉय, ये वगैरह लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, मैं इंशाल्लाह इस पे वीडियो बनाऊंगा कि क्रैक्ड वीडियो स्क्राइब कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके बहुत काम आ सकता है। तो आपको बताना चाहूँगा ये सेव का बटन्स के बारे में। ये सेव का बटन है, इससे आप पिक्चर्स वगैरह, कोई क्लिप आर्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, इससे टेक्स्ट वगैरह, इससे ग्राफ या चार्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, इससे कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक ट्रैक वगैरह ऐड कर सकते हैं, और इससे आप वॉइस ओवर फॉर द स्लाइड ऐड कर सकते हैं वॉइस अपनी। इससे आप ये जो कलर है, ये जो वाइट कलर है, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि ये हाथ से लिखता है, तो वो हाथ आप चेंज कर सकते हैं, इससे काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, तो होगी जी जो चीज़ें थी, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। जैसे कि हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ लिखते हैं हेलो। यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। चलें इसका ये फॉन्ट कर लेते हैं, और इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसका कलर हम कर लेते हैं ऑरेंज और टिक कर देंगे। तो ये देखें, ये लिखा गया हेलो। इसे आप रिसाइज करके यहाँ कर सकते हैं, और आप इसके साथ इमेजेस भी कोई ऐड कर सकते हैं, कोई भी इमेजेस ऐड कर दें। जैसे कि मैं ये कर देता हूँ, बस ये वीडियोस के लिए मैं कर रहा हूँ। इमेज ऐड हो गई। तो अब हम प्ले करते हैं। सबसे पहले आप इसका टाइम कम कर लें, क्योंकि कोई जो आपने वीडियो बनानी है वो बोर ना हो। 2 सेकंड कर लें इसका, 0.5 सेकंड। और यहाँ जाके कि ट्रांसिशन ये हमेशा आपने कम रखनी है, यहाँ जाके इसकी भी ट्रांसिशन कम कर दें। चलिए देखते हैं हेलो, और ये जी तैयार है जी। अब बात ये कि आपने जैसे कि देखा है, ये देखें आपने हेलो लिखा है, और हेलो का थोड़ा सा ये देखें आ रहा है, और साथ फिर ये है और फिर ये। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हेलो को यहाँ लिखते हैं, ठीक हो गया, और इस बटन को प्रेस करेंगे, ये जो आप टिक देख रहे हैं मूवी टिक, और इसे यहाँ साइड पर रख के इसे भी टिक करेंगे। अब होगा यूँ कि अब हेलो लिखेगा और साथ ये लिखेगा। और अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका हेलो जो है पहले लिखा जाए, तो इसे आप क्रॉस कर दें, मतलब बड़ा सा हेलो लिखा जाए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें हेलो और पीछे गया, और ये आपकी इमेज। और अगर आप चाहते हैं जो लास्ट पे हुआ ये ना हो, तो आप जूम एट एंड इसे क्रॉस कर दें, और ये ऐसे ही रहेगा। देखिए, हम इसमें कोई और इमेज वगैरह ऐड कर लगते हैं। ये देखें, कोई वर्डप्रेस की मैंने कर ली, ये लें, इसे भी इसमें ही कर देते हैं और प्ले करते हैं। समझे, आपने एक पेज तैयार कर लिया अपना, और आप सेकंड पेज की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप यूँ करेंगे, न्यू टेक्स्ट डालेंगे, कम इसका जो ओरिजिनल फॉन्ट होता है ज़्यादातर वही यूज़ होता है बेसिक का, ये जो है। तो
ये ब्लैक में रखते हैं हम, और इसे रिसाइज करके यहाँ करते हैं जी। हम इसे कर देते हैं टिक मार्क, जो कि सबसे पहले ये लिखा जाए और साथ इमेज भी आ जाए कोई भी। यहाँ से आप डिफरेंट क्लिप पार्ट्स बासानी ढूंढ सकते हैं, और आपको इसके लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं जो भी आपको आर्ट चाहिए होगा। क्लिप पार्ट आप लिखेंगे ना, क्लिप पार्ट्स, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो कोई भी हम पिक्चर ऐड कर देते हैं तो ये पिक्चर ऐड हो गई, इसे आप रीसाइज वगैरह कर दें और इसे भी टिक कर दें। चलें जी देखते हैं। ये देखें दूसरा पेज आया, सब्सक्राइब प्लीज़। और ये देखें कितनी स्लो बना रहा है, तो इतनी देर में कस्टमर जो हमारी वीडियोस देख रहा होता है वो बोर हो जाता है, इसलिए यहाँ से कम कर दें इसे। और ध्यान रखें यार, ट्रांसिशन हमेशा कम करें। और ये इतने ज़्यादा ऑप्शन है, इस पर हैंड लगा देते हैं कोई, आपको मैं हैंड दिखा देता हूँ। नहीं ये तो हैंड नहीं है, आप यहाँ पे हैंड देख सकते हैं आप। चलें इसी में से कुछ कर लेते हैं। ये देखें हैंड्स आ गए, आप कोई सा भी मार्कर, कोई सा भी पेन, कोई सा भी हैंड चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पिक्चर जो थी समरीन की, उसी पर किया है ये हैंड चूज, तो उसी पर ज़रा ये लोडिंग ले रहा है। तो चलिए देखते हैं कितनी लेता है। ये देखिए ये ऐसे चौक से लिखा जाएगा। चलें ठीक है, अब टिक करते हैं। अब इसे इस पर क्लिक करके अब इसे प्ले करते हैं। ये सॉरी प्ले होगी, सॉरी। अगर आप देखना चाहते हो कि ये कैसी प्ले होगी, तो इसे इस पर ये प्ले का बटन दबाएं और ये ऐसे प्ले करेगा आपकी। तो मैंने YouTube पे बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें ये बटन के बारे में बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि ये बटन बहुत ज़रूरी है वीडियोस्क्राइब में। इसका फाइवर और अपवर्क पे बहुत काम है वीडियोस्क्राइब का, और ये बहुत आसान काम है, इससे बहुत सारे लोग काम करते हैं, फ़ायदा इसका बहुत है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आप टेक्स्ट वगैरह हर चीज़ कर सकते हैं। मेन जो चीज़ें जिस पे आपने फोकस करना है वो ये तीन चीज़ें हैं। अगर आप देखें कि आप वीडियो बना आपकी वीडियो चल रही है, थोड़ा सा पेज आगे पीछे हो रहा है, तो इसे आप क्रॉस करके फिर टिक करें, इंशाल्लाह आपकी जो आगे पीछे होगा तो वो ठीक हो जाएगा। ये ज़्यादा होता नहीं है, इससे आप कोई इमेज कट भी कर सकते हैं डिलीट करनी हो तो। ये बेसिक बटन्स का आपको मैंने बता दिया, आप इसे बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं इजीली। ये देखें ये बैकग्राउंड चेंज हो गया, इस पर आप कलर भी कर सकते हैं, और यहाँ जाके आप अपनी वीडियो को सेव कर सकते हैं। आप ऑनलाइन शेयर भी कर सकते हैं और आप वीडियो सेव भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और ध्यान रखें प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी बाकी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।